हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोग का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ओके, आज आपका वोकैब डे 112 है। ओके, और मैंने जैसे लिखा है आपके थंबनेल में थीम बेस्ड वोकैब है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिया था आपका थीम बेस्ड वोकैब, वैसे उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग अभी वर्ड्स करेंगे कुछ। ओके, तो आप कॉपी पेन आपके निकाल लीजिए और इन वर्ड्स को लिखिए आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। डे 112 है, और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो पहला हमारा जो थीम है उसे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट थीम दैट वी हैव गॉट दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर हम उसको 100 out of 100 दे दें, ठीक है, तो वो परफेक्ट होता है कि नहीं? वो परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि 10 out of 10 स्कोर दिया, डैट मीन्स इट्स परफेक्ट। तो परफेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्ट मतलब क्या है? उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होगा, पूरा का पूरा करेक्ट है, वो परफेक्ट है एकदम, फाइन। तो पहला वर्ड हमारे पास है इम्पेकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। OWS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इम्पेकेबल। दैट मीन्स वर्ड फॉल्टलेस या फिर फ्लॉलेस, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेकेबल, फाइन। इम्पेकेबल ध्यान दीजिए डबल सी का, तो फॉल्टलेस फ्लॉलेस उसको हम बोलते हैं इम्पेकेबल। नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट है काफी, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट ये भी स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल एम है यहाँ पे। इम्पेकेबल वर्ड आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा, लेकिन इमैक्युलेट हम लोग इन जनरल हम लोग यूज नहीं करते हैं। इमैक्युलेट भी वही मीन करेगा कि कंटेनिंग नो एरर और फ्लॉ, दैट मीन्स देर इज नो एरर, कोई मतलब मिस्टेक है ही नहीं उसमें, कोई एरर है ही नहीं, ठीक है, कोई गलत चीज़ है नहीं उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग इमैक्युलेट। इम्पेकेबल, इमैक्युलेट, ये दो वर्ड आपके हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनब्लेमिश्ड। अनब्लेमिश्ड मतलब ऐसा होता है कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कोई भी दाग ना हो। ओके, एक अगर आपका एक वाइट क्लॉथ है उसमें अगर कोई भी दाग ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनब्लेमिश्ड। देर इज नॉट इवन ए सिंगल स्पॉट, कोई भी उसमें गंदगी है ही नहीं उसमें, एक भी स्पॉट नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग अनब्लेमिश्ड। अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर। ओके, फाइन, अनब्लेमिश कैरेक्टर विदाउट एनी मार्क, स्पॉटलेस, उसको बोलते हैं हम लोग अनब्लेमिश। जो फोर्थ वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं, कंज्यूमेट। ये वर्ड हमने जब हमने सी वर्ड हमने देखा था तो हमने ये वर्ड डिस्कस किया था, कंज्यूमेट। इसका वर्ब फॉर्म भी ये है, एडजेक्टिव फॉर्म भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट लायर बोल सकते हैं हम लोग, कंज्यूमेट लायर, परफेक्ट लायर। ओके, कंज्यूमेट लायर। तो कंज्यूमेट इज वर्ड टू ब्रिंग टू स्टेट ऑफ परफेक्शन, फुलफिल करना, उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमेट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, लेकिन अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनडिफेक्टिबल, मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट है ही नहीं, इनडिफेक्टिबल, ओके, उसको बोलेंगे हम लोग, इसका एक सिनोनिम बोलेंगे मैचलेस, मतलब हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, मतलब मैचलेस, परफेक्ट है वो, स्प्लेंडिड हो गया, या फिर अनमार्ड। अनमार्ड और इसका रिलेशन इससे है, अनमार्ड अनसलिड। ओके, ओके, दिस आर रिलेटेड टूवर्ड अनब्लेमिश्ड, अनमार्ड अनसली, दिस आर रिलेटेड टूवर्ड अनब्लेमिश्ड, जिसमें कोई एरर ना हो, जिसमें कोई स्पॉट ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अनमार्ड अनसलीड। ओके, चलिए अब एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटीनिम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? इम्परफेक्ट, ओके, परफेक्ट का बिल्कुल उल्टा इम्परफेक्ट, या फिर फ्लॉड फॉल्टी। ओके, फ्लॉड फॉल्टी, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, परफेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स इम्पेकेबल, फॉल्ट फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, इमैक्युलेट कंटेनिंग नो एरर और फ्लॉ, अनब्लेमिश्ड, फाइन, विदाउट एनी मार्क, स्पॉटलेस, कंज्यूमेट, दैट मीन्स टू ब्रिंग टू ए स्टेट ऑफ परफेक्शन, अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर वर्ड इनडिफेक्टिबल, ओके, यू कैन से मैचलेस, स्प्लेंडिड, अनमार्ड या फिर अनसलिड। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? इम्परफेक्ट, फ्लॉट, फॉल्टी, फाइन। नेक्स्ट थीम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थीम हमारे पास क्या है? डाउटफुल, ओके, डाउटफुल, वेरी फनी यू कैन से इमोजी, फाइन। तो डाउटफुल, डाउटफुल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? वैसिलेट करना। वैसिलेट मतलब क्या है कि आप जब आप अपने ओपिनियन को जब आप फिक्स नहीं करते हो, ठीक है, जब एक फर्म ओपिनियन पे आप आ नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वैसिलेट करना। अभी आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे पढ़ना है, थोड़े टाइम के बाद आप मतलब सोच रहे हो कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं, मुझे अभी खेलना है, तो ये जो डिसीजन में आपने जो वेरिएशन लेके आए हो उसको बोलते हैं हम लोग वैसिलेट करना। अगेन आई विल से मार्क दिस इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज देर इज डबल सी। स्पेलिंग एरर आप ऐसे ही सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग एरर अलग से आपको पढ़ना होता है, इन्हीं जो वर्ड्स होते हैं यही आते हैं आपके मीनिंग में, जो आप मीनिंग में सीखते हो यही तो पूछते हैं आपके स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन में, फाइन। तो डबल एल है यहाँ पे, ओके, तो उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिए। वैसिलेट मीन्स वॉट? टू वेवर इन माइनर ओपिनियन, दैट मीन्स फिक्स ओपिनियन ना होना, फिक्स डिसीजन ना ले पाना, उसको बोलते हैं हम लोग वैसिलेट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्केप्टिक।
स्केप्टिक वार्नर सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क रेज करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केप्टिक बोलते हैं। फाइन, जो डाउट करता है सब चीज़ों को, जो उस पर क्वेश्चन मार्क उठाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केप्टिक। अ पर्सन हु हैज़ अ डाउटिंग एटीट्यूड, फाइन, वो कुछ भी बोलो बस ही विल कम अप विद अ क्वेश्चन मार्क कि ये कैसे हुआ। ओके फाइन, नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड डूबियस, इंक्लाइन टू डाउट, डूबियस। फाइन, डूबियस पर्सन, इंक्लाइन टू डाउट। नेक्स्ट हमारे पास है सिनिक। सिनिक का मीनिंग ऐसा है कि कोई भी पर्सन, जो पर्सन सिनिक होते हैं वो समझते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। फाइन, तो एक तरह से वो क्या करता है, कोई भी पर्सन का कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम करता है उस पर भी वो क्वेश्चन मार्क लगाता है वो, एक तरह से कि जो तुम कर रहे हो ये तुम दूसरे के भलाई के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के भलाई के लिए कर रहे हो। तो सिनिक ऐसा पर्सन होता है जो वन हु डिस्ट्रस्ट द ह्यूमन नेचर। फाइन, तो अ पर्सन हु बिलीव दैट ह्यूमन एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस, उसको बोलते हैं हम लोग सिनिक बोलते हैं। कि कोई पर्सन कोई भी कुछ काम करता है वो खुद के लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है, उसको हम लोग सिनिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर व्हाट, डाइसी। डाइसी में भी यू आर नॉट सर्टेन, आप अनसर्टेन हो, दैट मीन्स यू आर डाउटफुल। डाइसी सिचुएशन हम लोग बोलते हैं ना, ओके, डाइसी सिचुएशन, दैट मीन्स इट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिंजेंट। फाइन, ओके, नेक्स्ट इक्विवोकल। इक्विवोकल इज लाइक एम्बिगुअस। अनइक्विवोकल मतलब यू आर वेरी मच सर्टेन। ओके, ध्यान दीजिए इस वर्ड को, अनइक्विवोकल एक तरह से एक अच्छा वर्ड होता है जिसमें हम लोग सर्टेन रहते हैं। इक्विवोकल मतलब यूर एम्बिगुअस, ओके, यू आर डाउटफुल। नेक्स्ट द लास्ट वर्ड इज वर्ड इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एम्बिगुअस भी आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि एम्बिगुअस में कोई भी वर्ड का दो तीन मीनिंग निकल गया था। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बिगुअस। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, सर्टेन हो गया, अगर डाउट कर रहे हो उसका उल्टा पूरा क्या हो जाएगा, सर्टेन करना, एग्जैक्ट, अनक्वेश्चनेबल, कन्फर्म। सो दीज आर द वर्ड एंटीनिम्स ऑफ द वर्ड डाउटफुल, सर्टेन, एग्जैक्ट, अनक्वेश्चनेबल, कन्फर्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डाउटफुल मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया वैसिलेट करना। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड स्केप्टिक, थर्ड इज वर्ड डूबियस, एंड द फोर्थ इज वर्ड सिनिक। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर वर्ड डाइसी, कंटिंजेंट, इक्विवोकल, इनडिसाइसिव। एंटोनिम्स आर वर्ड सर्टेन होना, एग्जैक्ट, अनक्वेश्चनेबल, कन्फर्म। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड सुइटेबल। सुइटेबल हमारा थीम है नेक्स्ट। जैसे कि अगर आप इन दोनों पीसेस को देखोगे, ये दो पीस सुइटेबल है क्योंकि ये यहाँ पे जाके पूरा पजल को फिट कर देगा, है ना, तो फिट करेगा इसलिए सुइटेबल है। तो पहला वर्ड जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट, नॉट अपोजिट। फाइन, ध्यान दीजिए, आप ए को आप ओ से रिप्लेस कर दोगे, बिल्कुल ही मीनिंग निकल के आता है एकदम अलग। तो ऑपोजिट मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, है ना, एंटोनिम इज लाइक ऑपोजिट। फाइन, एंड अपोजिट मतलब होता है सुइटेबल, अप्रोप्रिएट, परफेक्ट, उसके लिए जो फिट बैठता है, मैच करता है, जो उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट, ध्यान रखिए, अप्रोप्रिएट इज वॉट अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट इज, पर्टिनेंट होता है आपका रिलीवेंट। ओके, पर्टिनेंट टू, पर्टिनेंट के बाद प्रिपोजिशन हम लोग टू यूज करते हैं। फाइन, पर्टिनेंट के बाद हम लोग प्रिपोजिशन यूज करते हैं। फाइन, तो पर्टिनेंट इज वॉट, रिलीवेंट होना, रिलेटिंग डायरेक्टली टू ए मैटर एट हैंड। फाइन, कि किसी भी चीज़ से एकदम डायरेक्टली रिलेट करना, उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिनेंट। दिस इज पर्टिनेंट टू सो एंड सो, रिलीवेंट होना, उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, सुइटेबल, दिस आर द वर्ड सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास क्या, प्रोप्राइटी, मतलब एक तरह से प्रॉपर होना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोप्राइटी। प्रॉपर का एक तरह से नॉन फॉर्म है प्रोप्राइटी। प्रॉपर बिहेवियर और मैनर्स, प्रॉपर बिहेवियर और मैनर को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटी। दैट मीन्स द बिहेवियर इज वर्ड सुइटेबल, अप्रोप्रिएट। ओके, द फोर्थ वर्ड जो हमारे पास है अपॉर्चून। अपॉर्चून का मीनिंग क्या होता है आपका, सुइटेबल, फेवरेबल, अपॉर्चून मोमेंट। ओके, अपॉर्चून का मतलब क्या होता है आपका, सुइटेबल, फेवरेबल। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग जो डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड बिफिटिंग। बिफिटिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड जर्मेन। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए, जर्मेन का मीनिंग होता है समथिंग विच इज रेलिवेंट, रेलिवेंट, उसको बोलते हैं हम लोग जर्मेन बोलते हैं, जर्मेन। एंड द थर्ड वन इज वॉट, डेकोरम। डेकोरम बना के रखोगे तभी तो सुइटेबल बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरम मेंटेन कर, डेकोरम बना के रखना। ओके, नेक्स्ट इज वॉट एंटोनिम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनसुइटेबल हो गया बिल्कुल इसका उल्टा, अनसुइटेबल, इनअप्रोप्रिएट, इनप्रॉपर, इररिलीवेंट। ओके, तो अनसुइटेबल, इनअप्रोप्रिएट, इनप्रॉपर, इररिलीवेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सुइटेबल हमारे पास पहला वर्ड है, मतलब द थिंग. फर्स्ट इज वर्ड, पहला वर्ड हमारे पास है एपोजिट. सेकेंड इज वर्ड पर्टिनेंट, दैट इज रिलेवेंट. थर्ड इज वर्ड प्रोप्राइटी फ्रॉम प्रॉपर वर्ड. फोर्थ इज वर्ड अपॉर्चून. एक बार रिवाइज कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी. बिफिटिंग हो गया, जर्मेन हो गया, डेकोरम हो गया. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनसुइटेबल, इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, इरेलेवेंट. चलिए नेक्स्ट जो लास्ट थीम है हमारे पास उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार. फ्रेंडली, वेट, यस. तो फ्रेंडली सारे ऐसे ही होते हैं, सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं. वेरी गुड पिक्चर यू कैन से. तो फ्रेंडली हो गया. तो पहला वर्ड जो कि बहुत ही कॉमन है, डेट इज ग्रीगेरियस. ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में और ये आपको पता होना चाहिए. फाइन, ग्रीगेरियस हो गया. ग्रीगेरियस मतलब क्या है? काफ़ी जो एक तरह से सोशिएबल, जो दोस्तों के साथ रहना, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीगेरियस या फिर सोशिएबल. नेक्स्ट, गैरुलस से कन्फ्यूज मत होइए. गैरुलस इज डिफरेंट. गैरुलस इज टॉकेटिव एंड ग्रीगेरियस इज वॉट? सोशिएबल, फ्रेंडली. उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीगेरियस. सेकेंड वर्ड हमारे पास है कॉन्विवियल. दैट ऑल्सो मीन्स वॉट? फ्रेंडली. कॉन्विवियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्विवियल, याद रखिए. नेक्स्ट, एमिकेबल आपने पढ़ा होगा. एमिकेबल रिलेशंस, दैट मीन्स वॉट? फ्रेंडली रिलेशंस. द फोर्थ वर्ड इज वर्ड जेनियल. जेनियल इज वर्ड? वार्मली एंड प्लीजेंटली चेयरफुल. जेनियल, जैसे कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, दे आर जेनियल. फाइन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फ्रेंडली मीन्स वर्ड ग्रीगेरियस, कॉन्विवियल, एमिकेबल इक्वेंस है एंड जेनियल. जो अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एफेबल. एफेबल मतलब क्या होता है? जो लाइकेबल, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एफेबल. लाइकेबल, उसको बोलते हैं हम लोग एफेबल. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड कॉर्डियल. हम लोग बोलते हैं ना कॉर्डियल रिलेशन, दैट मीन्स अच्छा रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन. थर्ड वर्ड इज वर्ड एमिएबल. ओके, तो एफेबल, कॉर्डियल, एमिएबल, दीज आर अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स. द एंटोनिम्स आर वर्ड अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, यू कैन से हॉस्टाइल रिलेशन. बेलीजरेंट वर्ड को ध्यान रखिए, जो कि पूरा इसका सिनोनिम है, एंटागोनिस्टिक और बेलीजरेंट. एंड द फोर्थ वर्ड इज वर्ड इनिमिकल. फाइन, इनिमिकल दैट मीन्स वर्ड? फ्रेंडली का बिल्कुल ऑपोजिट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इन सारे वर्ड्स को. ग्रीगेरियस, कन्विवियल, एमिकेबल, जीनियल, दिस आर द सिनोनिम्स. अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर वर्ड एफेबल, कॉर्डियल या फिर एमिएबल. एंड द यू कैन से ऑपोजिट वर्ड्स आर वर्ड अनफ्रेंडली, दैट मीन्स एनिमी, लाइक एंटागोनिस्टिक, बेलीजरेंट, हॉस्टाइल, इनिमिकल. तो दीज आर द एंटोनिम्स. ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. कमेंट कीजिएगा. ओके, मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.